टाइम के मिलने के बाद ही एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप उस करेक्टर से थोड़ा जुड़ नहीं सकते, यानी कि आपको किसी भी करेक्टर के मरने से या कुछ भी होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट इससे फ़र्क पड़ता है कि मूवी किस तरह ख़त्म की जाएगी और जो इसका एंड है वो क्या दिखाया जाएगा, क्या हम उस चीज़ से बच सकेंगे कि नहीं, क्या इंसानियत को उस पैरासाइट से बचा लिया जाएगा या क्या नहीं। तो ये स्टोरी इसी को लेकर चलती है, यानी कि ये सीज़न ऐसा है कि आप इसे देख के इंजॉय कर सकते हैं, इसके एक्शन को देख सकते हैं, इसमें जो पैरासाइट का कंसेप्ट दिखाया गया है उसे देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत से कोरियन सीजन हैं या ड्रामास हैं जिनमें ये कंसेप्ट दिखाया गया है, या बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं पहले ही इसका कंसेप्ट दिखाया गया है। तो इसकी स्टोरी की बात की जाए तो ये बहुत ही सिंपल और सादा है, इसके 6 एपिसोड है, उसी में स्टोरी ख़त्म कर दी जाती है और कोई इतना खास इसका नेक्स्ट आपको ये उम्मीद नहीं दी जाती कि कोई और इसकी कहानी कंटिन्यू की जाएगी, वहीं पे इसकी स्टोरी ख़त्म कर दी जाती है। तो जिस तरह के स्वीट इसके पहले सीज़न है, इसी तरह के स्वीट होम सीज़न 1 एंड 2, उनका आप पे काफ़ी इम्पैक्ट